एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन की गैंग वॉर से बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो एलविश यादव अपनी गैंग के साथ मैक्सटन के घर पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो अभी मैक्सटन हॉस्पिटल में है। ये दोस्तों अपडेट रैंडम सेना के पेज के द्वारा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जिनका सेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। अब बात करें एलविश यादव की, तो एलविश यादव मैक्सटन के घर पहुंचे और इस गैंग वॉर की शुरुआत थप्पड़ों से हुई थी। थप्पड़ों के बाद दोस्तों इस गैंग वॉर का एंड दोस्तों लाते और खुशों से हुआ था। उसमें दोस्तों बात करें तो मैक्सटन का एक दांत भी 20 का टूट गया है। अगला अपडेट पाने के लिए मैक्सटन ने ये कहा है कि मैं आने वाले अपने ब्लॉग में बताऊंगा किस तरीके से एलविश यादव ने मेरे साथ मारपीट की है। जहां दोस्तों एलविश यादव ने भी स्टोरी डाली है, जहां पर दोस्तों ऑन द वे का दोस्तों पहले स्टोरी और उसके बाद वर्क डन की स्टोरी डाली है। जी हाँ, ये आप स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो एलविश यादव ने कहा है मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैक्सटन ने एक वीडियो डाली है, देख लीजिए। लेकिन एलविश भाई साथ हैं वो सारे, जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एलविश भाई साथ हैं वो सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने दाढ़ी पारा? 8-10 थे। हाँ ठीक है। अब बात करें तो दोस्तों मैक्सटन सोशल मीडिया का उभरता हुआ चेहरा है। जी हाँ दोस्तों, मिलियन मैन के फॉलोअर हैं। जी हाँ दोस्तों, एलविश यादव को ट्रोल करना पड़ा है भारी मैक्सटन को। अब मैक्सटन दोस्तों हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, ये भी बात आ रही है। लोगों के रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आई रियली होप इतना मारता तो वीडियो बनाने के लिए लायक ही नहीं रहता। इस वीडियो में सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बना गया है, इसलिए आप इसे अपने दिल पर न लें। इसे दोस्तों मनोरंजन के रूप में लें और इग्नोर करें। लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि दोस्तों आपको हमारे अपडेट ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों, सब कोई एक दूसरे को ट्रोल कर रहा है, तो सोचा मैं भी एक हंसी मजाक वाला वीडियो बनाकर उन लोगों को उनकी औकात दिखा देता हूँ जो दोस्तों बिना फालतू के इस तरीके के दोस्तों कंट्रोवर्सी लेते हैं और धर्म के नाम पर माँ बहनों को गालियाँ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ये धर्म का स्टैंड है या दोस्तों किसी के माँ बहन को गाली देने का काम है? बताइए, इस पर आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए।